हाय फ्रेंड्स, जेटी के स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि कौन मंत्री है इंस्टॉलमेंट के बारे में। आज की क्लासेस उसी से रिलेटेड हैं। उसमें दो चीज़ें रह गई थी, पीपीएमटी और आईपीएमटी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो एज यूजुअल करते हैं, विंडो प्लस आर और एक्सेल इंटर मारते हैं। उसके बाद से हम हेडिंग बना लेते हैं पीपीएमटी एंड आईपीएमटी का। ठीक है, आज की क्लासेस का हमारा है PPMT और IPMT। PPMT एंड IPMT, ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, दो चीजें हमें फाइंड करनी है। यहाँ लाके क्या किया, इसको मर्ज कर दिया, इसको मर्ज। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ, ठीक। तो पहले दो मिनट के लिए हम आईपीएमटी का काम कर लें। ठीक है, साइड में क्या था, हमारा प्रोडक्ट था और उसका नाम था कार। इंटर करने पे था हम लोग का डाउन पेमेंट, यानी डीपी डाउन पेमेंट ही लिख देता हूँ। और उसके उसका नहीं नहीं एक मिनट, इसको इसको कट करते हैं, नीचे लाते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ था प्राइस, तो था 5,00,000। तीन नाम दे दिया गया था। उसके बाद आ गया था लोन अमाउंट, लोन एएमटी, यानी इक्वल टू प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। ठीक है, दोनों उसका इंटरेस्ट जो कि था 7%। उसके बाद था ईएमआई निकाले थे हमने, फार्मूला लगाया था हमने, इक्वल टू पीएमटी लगाया था, ब्रैकेट ओपन करके क्या किया था, रेट में इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया था, डिवाइड किया था 12 से, कॉमा लगाया था, नंबर पर में मंथ को सिलेक्ट किया था, कॉमा लगाया था, पर में पीबी में क्या लिया था, पेमेंट वैल्यू यानी 2,00,000 को सिलेक्ट किया था, कॉमा किया था, सिक्योरिटी 0,1 ब्रैकेट इंटर किया था, यही अमाउंट हमारा आया था, याद आ रहा है। और इसको हमने यहाँ से नंबर कर लिया था, तो थोड़ा सा प्रोसेस लग गया, आ गया, नंबर को सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे उसके तक क्या करेंगे, देखिए हमारा इंडियन रुपीज में आ गया। ठीक है, अब इसी पे काम करना है, तो हेडिंग बना लेते हैं PPMT और IPMT। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं 6 मंथ का निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इक्वल टू लगाते हैं, यानी हम एक्चुअल जानना चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना देते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट कितना देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना देते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि आप जानते हो कंपनी अगर हमें टाइम देती है तो हम कुछ एक्चुअल अमाउंट देते हैं जो हमें देना है, और बाकी हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। जैसे पिछली क्लासेस में हमने जिक्र किया था कि हमें देना था डाउन पेमेंट 2,00,000 का, जबकि मैंने दिया था 2,36,236 रुपये। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला भी सिंपल है, इक्वल टू PPMT ब्रैकेट ओपन किया, रेट में हम ले लेते हैं इंटरेस्ट को, रेट में लेंगे इंटरेस्ट को, थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको फिक्स कर देंगे F4 से फिक्स किया, चेंजिंग ज़्यादा कुछ नहीं होती है, R9 ही रह जाता है बस, उससे पहले डॉलर लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा करेंगे, पर में यहाँ लेंगे 1 को सिलेक्ट करेंगे, पहले मंथ का निकालना है, कॉमा करेंगे, नंबर पर में एट यूजर 1 को सिलेक्ट करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे किससे, F4 से कॉमा करेंगे। ठीक है, कॉमा करने के बाद आएगा पेमेंट वैल्यू, पेमेंट वैल्यू में लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे 0,1 और ब्रैकेट कर देंगे, कर देंगे एंटर।
देखिए इसके एक्चुअल अमाउंट आ रहा है जितना यहाँ आ रहा है, तो सिलेक्ट करिए, क्या करिए यहाँ पे आइए, सॉरी यहाँ पे, और क्या करिए नंबर सेलेक्ट करिए, नंबर ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ जीरो लगाने का कोई पर्पज नहीं है, अगर यहाँ जीरो लगाते हैं तो यहाँ भी जीरो लगाना पड़ता है, अगर यहाँ जीरो नहीं लगाते तो यहाँ नहीं लगाना पड़ता है, तो पहले हम यहाँ जीरो को हटा देते हैं, हटा देते हैं ठीक है, यहाँ भी जीरो हटा देते हैं ठीक है, अब देखिए ये निकल गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इसको ड्रैग कर देते हैं, एक ध्यान देंगे प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा ऑलवेज जैसे जैसे नीचे जाता है इंक्रीज करता है, और आईपीएमटी का अमाउंट क्या होता है डिक्रीज करता है ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट, इसके लिए फार्मूला होगा इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेट में ले लेंगे इंटरेस्ट को, और क्या कर देंगे एफ फोर से फिक्स कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा करेंगे पर में वही फिर से वन को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लेंगे यन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड में फिर से मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद पीवीएम पेमेंट वैल्यू में लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी एफ फोर से फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे और डायरेक्टली टाइप में वन ले लेंगे, और ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, और एंटर। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा पीपीएमटी अमाउंट और आईपीएमटी का अमाउंट दोनों मिला के ईएमआई के इक्वल आना चाहिए, अगर ऐसा होता है यानी हम प्रोसेस सही कर रहे हैं। ओके गुड ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं, देखिए हमने फिक्स नहीं किया था, गलती आ गई, डिलीट किया इसको ठीक है, इसी कोशिश करते हैं इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट में रेट सेलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे एफ फोर से, डिवाइड करेंगे कॉमा करेंगे नंबर पर में पर को सिलेक्ट करेंगे, वन को कॉमा लगेंगे नंबर पर में मंथ को सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे एफ फोर से फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे ठीक है। देखिए अभी कुछ टाइम पहले मैंने फिक्स नहीं किया था, चेंजिंग आ गई थी, सारे नहीं है नम नम करके आते हैं यानी कि इधर बता रहे थे ठीक है, नंबर हो गया पीबी में पेमेंट वैल्यू को ले लेंगे, वो क्या करेंगे या फोर से फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे उसके बाद डायरेक्टली टाइप में वन लेंगे, फ्यूचर वैल्यू को नहीं कट करेंगे और वन करके एंटर कर देंगे, देखिए और इसको ब्रेक कर देंगे, देखिए 1166 उसके बाद 1150 देखिए अमाउंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और उसका अमाउंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, अब टोटल का अमाउंट सम कितना होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो सम लगाने का तरीका मैंने बताया है, या तो सम का फार्मूला लगाइए या तो दोनों नंबर को सिलेक्ट करके प्लस इतना और एंटर कर दीजिए, देखिए इसका अमाउंट सेम मैच करके, ऐसा सबका मैच करना चाहिए, देखिए सबका अमाउंट मैच करेगा, देखिए सबका अमाउंट निकालिए दोनों को अल्ट प्लस इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया किया और देखिए सबका अमाउंट इक्वल है, सम किया ब्रैकेट ओपन किया देखते रहिए, मैं ड्रैग भी कर सकता था, ड्रैग भी कर सकता था लेकिन ड्रैग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि सब ड्रैग करने से सब वैसे ही सब एक बराबर आ जाएंगे, इसलिए मैंने ड्रैग नहीं किया ठीक है, जैसे वापस आते हैं इसको मुफ्त नंबर कोई मतलब नहीं है, इसको सबका निकालेंगे ऐसे ब्रैकेट ओपन किया दोनों को सिलेक्ट किया कर दिया फिर इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट किया फिर इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन किया, ऐसे हम देख लीजिए सब दोनों का आईपीएमटी और आईपीएमटी में अमाउंट मिला के इसके इक्वल आ गया हमारी ईएमआई का, मतलब कि जो हमने प्रोसेस किया वो सारा कुछ अब तक सब कुछ सही रहा,
तो ऐसे हम पीपीएमटी और आईपीएमटी निकालते हैं कि एक्चुअल हमको देना चाहिए इतना, लेकिन हम ब्याज के साथ दे रहे हैं इतना, ठीक है। तो ये तरीका था ईएमआई से रिलेटेड और पीपीएमटी और इनिशियल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को फाइंड करने का तरीका, एक्चुअली हम कितना इंटरेस्ट पर मंथली दे रहे हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई टॉपिक के साथ।